वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी लाया हूँ जिसका नाम है टर्न मी ऑन। फिल्म की शुरुआत नॉर्वे के एक छोटे से गांव में होती है। ये गांव जंगल के बीच में होती है, तो यहाँ करने के लिए कुछ भी नहीं है। अब इस शहर में हम अल्मा नाम की एक लड़की को देखते हैं। बस बड़ी हो रही है, इसलिए उसको बहुत सारी सेक्सुअल डिजायर्स होती हैं, और वो हर दिन हॉटलाइन पर कॉल करके फोन सेक्स भी करती रहती है। और एक दिन ऐसे घर में अल्मा फोन सेक्स कर रही होती है, तब अचानक से उसकी माँ अपने काम से वापस आ जाती है, और अपनी माँ के आने की आवाज़ सुनकर अल्मा तुरंत अपने कपड़े पहन लेती है और पढ़ने बैठ जाती है। जब उसकी माँ ने घर आकर देखती है कि फोन जमीन पर पड़ा रहती है, तब वो इसके बारे में अल्मा से पूछती है, तो अल्मा एक बहाना बनाती है और उससे एस्केप हो जाती है। और उसके बाद अल्मा अपने कुत्ते को लेकर वॉकिंग पर जाती है, तब उसकी मुलाकात आर्टुअर नाम के एक लड़के से होती है। वो भी वही रास्ता में आ रहा होता है, और वो अल्मा के स्कूल मेट है, और दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, और वो स्कूल में ज्यादा पॉपुलर भी है, और अल्मा को आर्टुअर पर लंबे समय से एक क्रश भी है, और अल्मा और उसके इमेजिन करके कभी कभी हैंड सेक्स करती रहती है, और अल्मा के सपने में वो आर्टुअर हर रात आता है और चुपके से अल्मा के कमरे में आ जाता है, और दोनों बाद में इंटीमेट होते हैं। लेकिन यह सिर्फ अल्मा का सपने में होते हैं, असल में आर्टुअर ने अल्मा से ठीक से बात भी नहीं करता है, क्योंकि स्कूल में अल्मा उतनी पॉपुलर नहीं है। बाद में हम देखते हैं अल्मा के दो दोस्तों को, जिनके नाम इंग्रिड और सारा हैं, और ये दोनों दोस्त एक दूसरे का बेहन होती है, और फिर तीनों स्कूल बस में एक साथ स्कूल जाते हैं। हर रोज ऐसा ही चलता रहता है, और कुछ दिनों बाद एक पार्टी है जिसमें आर्टुअर भी आने वाला था, और पार्टी में जाने के लिए अल्मा को नई ड्रेस मिलती है, और वो फिर से आर्थर का सपना देखना शुरू कर देती है कि पार्टी में वो और आर्टुअर बात करेंगे और हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, ऐसा सपना देखना शुरू कर देती है। और बाद में शाम को अल्मा अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जाती है। पार्टी में आर्थर अल्मा को बार बार देख रहा होता है, और अल्मा को ऐसा देखना बहुत पसंद लगती है, और उसकी क्रश आर्टुअर भी उन्हें नोटिस कर रहा है। और अल्मा फिर एक ड्रिंक उठाती है और पीने के लिए बाहर जाती है, तब आर्टुअर भी उसकी पीछा करता है। तब अचानक से वो अपनी सामान बाहर निकालकर उससे अल्मा को पीछे से टच करता है, और ये सब अल्मा को भी पसंद लगती है। और बाद में वो बाथरूम में जाती है और सेल्फ सेटिस्फाई करने लगती है। उसके बाद जब वो बाहर आती है तो सीधा जाके उसके दोस्तों को बताती है कि आर्टुअर ने उसके सामान से टच किया और मुझसे फ्लर्ट करता था। तब हमें पता चलता है कि इंग्रिड ने आर्टुअर को प्यार कर रही है, और इसीलिए वो मानती नहीं है, और अल्मा को बताती है, तू तो सपने में ही हो और ये सारा सिर्फ तुम्हारा सपना ही होगा, ये तो सिर्फ झूठ है। तब आर्टुअर भी वहाँ आता है और इंग्रिड ने उससे इसके बारे में पूछती है, जिस पर आर्थर ने सीधा सीधा मना कर देता है, क्योंकि वो स्कूल में कुछ पॉपुलर लड़का था और इसलिए वो सारे उसकी बातों को मानते हैं और अल्मा को ही लाया कर देते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग इंग्रिड ने अल्मा के घर जाती है, और वहाँ वो लिपस्टिक लगाते हुए अल्मा से सेडक्टिवली बात करती है, और बाद में दोनों इंतमत करने लगते हैं। तब हमें पता चलता है कि हकीकत में अल्मा फिर से सपना देख रही थी, और इंग्रिड ने बस यहाँ अपना लिप ग्लॉस लेने आई थी, और फिर इंग्रिड गुस्से में यहाँ से निकल जाती है। अगले दिन जब अल्मा स्कूल जाती है तो पूरी क्लास बोलना शुरू कर देती है कि अल्मा इज ए लायर, लेकिन असल में अल्मा सच कह रही थी और कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, और सभी लोग मिलकर अल्मा का मजाक उड़ाने लगते हैं, और उसके दो दोस्त भी अल्मा से बात करना बंद कर देते हैं, और अल्मा स्कूल में अकेली हो जाती है, और धीरे धीरे अल्मा भी इन सब से दूर हो जाती है, और वो इस फ्रस्ट्रेशन से बाहर आने के लिए सिगरेट पीना शुरू कर देती है। फिर एक दिन स्कूल से घर आते समय रास्ते में ही अल्मा बस से उतर जाती है, और वो देखती है कि वो आर्टुअर भी बस से उतर जाता है। बाद में वो अल्मा के पास आता है और अल्मा से बताता है कि वो उसे बहुत पसंद करता है, और इसके बाद अल्मा आर्थर को अपने घर ले जाती है, और वहाँ वो दोनों इंतमत होते हैं। लेकिन तब हमें पता चलता है कि ये सब नहीं हुआ है, बल्कि ये सिर्फ अल्मा की कल्पना थी, और वो अकेली बस से उतर गई थी। कुछ दिनों बाद स्कूल में एक म्यूजिकल क्लास होती है जिसमें अल्मा को कोई नहीं बुलाते हैं, और वो बस इन्हें चुपके से खिड़की से देखती है। वो स्कूल में अपने दोस्त से बात करने की भी कोशिश करती है, लेकिन कोई उससे बात नहीं करना चाहते थे। तब अल्मा की एक और दोस्त सारा ने ये सब देखती है और अल्मा का सिचुएशन को ऑब्जर्व करती है, तब ये सारी चीज सारा को भी बुरा लगती है। दरअसल इस फिल्म में सारा का कैरेक्टर भी काफी उलझा हुआ है, और वो बहुत सी अजीब चीजें करती रहती है, और वो कैदियों को चिट्ठी भी लिखती है जिन्हें जल्द ही फांसी दी जाने वाली है, और ऐसा करना उसका शौक है। और इस बार वो चिट्ठी में अल्मा की कहानी लिखती है, और जब वो उस लेटर को लेटर बॉक्स में डालने जाती है तो याटन नाम का एक लड़का आता है और वो सारा से मिलता है, जो सारा के साथ एक ही क्लास में पढ़ता था।
और वो लंबे समय से सारा को पसंद करता था, लेकिन सारा कभी किसी लड़के की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती थी। अब कुछ दिनों बाद आलमा के घर टेलीफोन बिल आता है जो बहुत ज्यादा था। तब आलमा की माँ उससे पूछती है वो किससे इतनी बात करती है, जिस पर आलमा अपनी माँ को सच बताती है कि वो फोन सेक्स करती थी। ये सुनकर उसकी माँ को बहुत गुस्सा आती है, तो आलमा उसे बताती है कि वो खुद पैसे कमाकर इस बिल का पैसा पे करेंगे। इसके बाद आलमा से मिलने के लिए सारा आती है और उस लड़के बारे में बताती है। कुछ बातचीत करने के बाद वो चले जाती है। अगले दिन से आलमा एक दुकान में काम करने लगती है और आलमा फिर से यहाँ भी मालिक के साथ इंटीमेट होने के सपने देखने लगती है। और अब आलमा को आटुआ के झूठ बोलने की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रही थी, इसलिए वो आटुआ से मिलती है और उससे बात करती है और बताती है कि तुम सभी के सामने सच बोलो, तूने उस दिन मुझे फ्लट किया था। लेकिन आथा ने ऐसा करने से साफ इनकार कर देता है और आलमा उनसे नाराज होकर चली जाती है। और उसी दिन क्लास में एक लड़की का बर्थडे भी होता है और वो आलमा को छोड़कर सभी को पार्टी में इनवाइट करती है। अगले दिन याटन ने सारा को एक कविता लिख के देता है और कविता सुनकर सारा को भी याटन से प्यार हो जाता है। और इधर दुकान में उसका ओनर ने आलमा से ठीक से बात नहीं करता है, तो वो समझ जाती है कि उस इंग्रिड ने दुकान के मालिक को अपनी सारी बातें बता दी होंगी, क्योंकि इंग्रिड दुकान के मालिक की बेटी है। और जब आलमा स्टोर के मैगजीन शेल्फ की सफाई कर रही थी, फिर उनकी नज़र एक एडल्ट मैगजीन पर जाती है और वो उस मैगजीन देखने लगती है और उसके बारे में सपने देखने लगती है। तभी सारा उनसे मिलने आती है और उसे बताती है कि वो याटन को पसंद करने लगी है। इसके बाद आलमा ने उस मैगजीन को एक डस्टबिन में फेंक देती है और वो सारा के साथ घूमने चले जाती है। अगली सुबह दुकान के मालिक को ये एडल्ट मैगजीन डस्टबिन में मिलती है, तो वो आलमा की माँ को फोन करता है और उसे बताता है कि आलमा ने एक एडल्ट मैगजीन को चुराने की कोशिश की है, जिस पर उनकी माँ ये कहती है कि आलमा को थोड़ा मेंटल इलनेस है, इसलिए वो ये सब कर रही है। फिर आलमा की माँ ने दुकान के मालिक से रिक्वेस्ट भी करती है कि वो उसे नौकरी से नहीं निकालने के लिए। इसके बाद जब आलमा घर आती है तो उसकी माँ उसे खूब डांटती है। अगले दिन सारा स्कूल के बाथरूम में आलमा से मिलती है और बताती है कि तुम तो आथा का सच सबके सामने लाना होगा, नहीं तो ये सब तुम्हारा जिंदगी भर होता रहता है। और ये सुनकर आलमा मोटिवेट हो जाती है। और बाद में हम देखते हैं इंग्रिड ने सारा से मिलती है और बताती है कि मुझे पता है कि तुम चुपके से आलमा से मिल रही हो, जिस पर सारा कहती है वो आलमा गलत नहीं है और हो सकता है वो आथा ने झूठ बोला है। इसके बाद सारा इंग्रिड को ये भी बताती है कि अब से वो स्कूल में भी आलमा से बात करेगी। और इधर आलमा फिर से हॉटलाइन पर कॉल करना शुरू कर देती है और इतनी देर तक बात करने के बाद कॉल पर मौजूद व्यक्ति आलमा को अच्छी तरह जानता था। आलमा कहती है वो आज उसका मूड नहीं कर रहा है क्योंकि कोई उससे प्यार नहीं करता है, जिस पर वो आदमी कहता है कि ऐसा नहीं है, कोई तो होना चाहिए जो आपको समझे और आपसे प्यार करे। अब वो आलमा को सच में बुरा लगने लगा है, तो वो शराब पीने लगती है और फिर वो नशा करना भी शुरू करती है। और वो देखती है कि उसकी माँ ने उनकी बॉयफ्रेंड को घर ले आई है और वो अपनी बॉयफ्रेंड से बता रही है कि आलमा को कुछ मेंटल इलनेस है और वो सिर्फ गंदी बातें करती रहती है। और ये सुनकर आलमा को बहुत बुरा लगती है और वो गुस्से में घर छोड़ के चली जाती है। वो पैदल ही आथा के घर जाती है और उसे बताती है कि कबूल करने के लिए कि तुमने मुझे उस दिन छू लिया था। तब आटुआ शुरू में मना कर देता है, लेकिन बाद में वो मान जाते हैं और आलमा को कहता है कि मैंने झूठ बोला क्योंकि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता था और मेरी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है और इसलिए मैं स्कूल में कभी नहीं मानूंगा कि मैंने तुम्हें छू लिया था क्योंकि इससे मेरी छवि खराब हो जाती है। अब यह सुनकर आलमा को बहुत बुरा लगती है और वो रोती हुई वहां से चली जाती है। इसके बाद आलमा बस से अपने घर जाने की बजाय शहर के लिए निकल जाती है। आलमा को लगा कि अगर वो अचानक गायब हो गई तो आटुआ उसे याद करेगा और वो सीधा सारा के बहन के घर जाती है। वो सिटी में पढ़ रही होती है और इधर आलमा की माँ उसकी ढूंढना शुरू करती है। वो अपने पड़ोसी से आलमा के बारे में पूछती है तो पड़ोसी ने उसे बताता है कि उसने आलमा को शहर जा रही बस में देखा था। फिर पड़ोसी ने आलमा की माँ से पूछाता है कि क्या आप नहीं जानते कि उस दिन पार्टी में आलमा के साथ क्या हुआ था, जिस पर आलमा की माँ कहती है कि मैं पार्टी के बारे में कुछ नहीं जानता। फिर वो पड़ोसी आलमा की माँ को बताती है कि आलमा और आटुआ को क्या हुआ था। यहाँ शाम को आलमा मारिया और उसके दोस्तों को बताती है उसके साथ क्या गलत हुआ है। ये सुनकर मारिया और उसके दोस्त आलमा को इनकरेज करते हैं और फिर वो सभी साथ में पार्टी करते हैं। बाद में मारिया को आलमा की माँ का फोन आता है और वो उसे बताती है कि आलमा उनके साथ है और उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगले दिन आलमा की माँ शहर से अपने घर वापस आती है और अब आलमा बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। उसकी माँ आलमा को बताती है कि इस वेकेशन में वो लोग पेरिस जा रहे हैं
तब आलमा नोटिस करती है कि माँ अब आलमा पर ज्यादा ध्यान दे रही है। इस वजह से वो बेहद खुश हैं। और उस रात आर्टुर आलमा से मिलने उसके घर आता है और आलमा को बताता है कि मैंने तुमसे झूठ बोला था, दरअसल मैं तुझे ज्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन हम स्कूल में एक साथ नहीं रह सकते क्योंकि इससे मेरी बदनामी होगी। यह सुनकर आलमा ने आर्थर को जाने के लिए कहा क्योंकि अब उसे परवाह नहीं थी। अगले दिन आलमा और सारा एक साथ स्कूल जाते हैं और स्कूल में इंग्रिड भी आलमा से बात करने लगती है। आलमा स्कूल के गेट को देखती है, उस आर्टुर ने एक बड़ा बैनर लगाया था जिस पर लिखा था कि मैंने आलमा को अपने लिंग से छू लिया था। आर्टुर ने पूरे स्कूल के सामने अपनी गलती मान ली थी और आलमा ये देखकर बहुत खुश होती है और वो आर्टुर को भी क्षमा कर देती है। शाम को आर्टुर भी आलमा के घर में डिनर के लिए जाता है और वो दोनों अब डेटिंग करने लगते हैं और अंत में आलमा, उसकी माँ और आर्थर तीनों खुश हैं। तो ये थी टर्न मी ऑन मूवी की कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो पूरी फिल्म देखें और अगर आप ऐसी और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।